दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्य दलों के अलावा अन्य दलों से भी लगातार कई उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में युवा क्रांति मोर्चा की ओर से भी मानव अधिकार संगठन के जिला अध्यक्ष इंजीनियर अमित कुमार चौधरी के समर्थन से शहर के लोगों को नया विकल्प देने का प्रयास किया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि शहर के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में उतरे युवा क्रांति मोर्चा के उम्मीदवार पर शहर के लोग कितना विश्वास जताते हैं। जी, आज आपने सारी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरे, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक जो भी विधायक हुआ दरभंगा शहर के लिए कोई काम नहीं किया, खासकर जो बीजेपी के विधायक रहे संजय सरावगी, वो आज तक कुछ नहीं किया, अपने घरों को भरने का काम किया। और दरभंगा में इतनी भीड़, इतनी जमाव, इतने बाढ़ों का प्रॉब्लम, काफ़ी जन समस्या है। अगर चाहता तो यहाँ फ्लाईओवर बनता, भीड़ की समस्या खत्म होती। मिथिलांचल की राजधानी है दरभंगा, मिथिलांचल के लिए करना था। तो आज क्या है, ऐसे उम्मीदवार आ रहे हैं, कोई हायाघाट से आ रहा है, जदयू से आरजेडी में आ गया, 2 करोड़ रुपया देके टिकट लिया जैसा लोग कहते हैं, और टिकट लेके आया और यहाँ से जीत के जाएगा तो करेगा क्या? इस पर जनता भी मन बना चुकी है और सबक सिखाएगी इस सारे लोगों को, सारे उम्मीदवारों को। और हमारे मानव अधिकार आयोग से अध्यक्ष जी हैं अमित कुमार चौधरी जी, जिनका बड़ा तन मन धन से योगदान है, सारे कार्यकर्ताओं सहित, और ये करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। दरभंगा में जितना भी करप्शन है, जल जमाव है, हॉस्पिटल की जो समस्या है, जहाँ कुत्ते बिल्ली बैठे रहते हैं, वहाँ कोई साधन सुविधा गरीब जनताओं को नहीं है, जिसके लिए हम लोग मिल के काम कर रहे हैं और एक अच्छा परिचय देंगे इस विधानसभा के चुनाव में, एक अच्छा कार्यक्रम करेंगे। जगह जगह, हर जगह हमारे ऑफिस खुल रहे हैं, वार्ड नंबर 15 से राजकुमार जी हैं, जितने भी लोग हैं हमारे साथ, अपने पैसा से ऑफिस कर रहे हैं, अपने पैसे से मदद कर रहे हैं, भूखे प्यासे रह के क्षेत्र में घूम रहे हैं। इसलिए हम जनता को, मतदाता को धन्यवाद करते हैं। और हम अपने एक और भी है कि मिथिला को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए मिथिला आयोग गठित करेंगे, मैथिली भाषा को लागू करेंगे, लागू तो है ही, उसको सारे व्यवहार में लाएंगे और मिथिला राज्य आयोग गठित करवाएंगे। इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया, लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और करते रहें, और हर वोटर को वोटर पेंशन दिलाने का काम करेंगे कि वोटर के वोट देने से नेताओं को आजीवन पेंशन मिलता है, वोटर को पेंशन नहीं मिले तो वोटर पेंशन भी हम दिलाएंगे। ये हमारा काफ़ी दिनों से लड़ाई चल रहा है और ये दिलाएंगे। दरभंगा की जनता के हाथ में हो, भोजन वस्त्र आवास प्रतिनिधि वापसी का अधिकार जनता के हाथ में हो। ये भोजन वस्त्र सब ये प्रतिनिधि नहीं करता है, तो उसके लिए वापसी का अधिकार भी जनताओं के हाथ में हो कि लिख के देगा और उसका सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये अधिकार जनता अगर वोट देती है तो जनता के हाथ में होना चाहिए कि हम लिख के देते हैं, ये हमारे हित में नहीं है। गरीब लोग हैं, आज भूखे हैं, आज जगह जगह किसी समस्याओं के, ये कोरोना बीमारी में सारे बेरोजगार बेकार हर स्थिति से वो जूझ रहा है। ये आप दरभंगा नगर से आए, यहाँ कर्मठ जो है आपको पार्टी से संजय सरावगी जी है, अमरनाथ गामी है, इतने बड़े बड़े नेताओं के बीच में आपने अपना नामांकन भर दिया, तो क्या उम्मीद करते हैं? मेरा दरभंगा जिला 83 सारी विधानसभा क्षेत्र से युवा क्रांतिकारी पार्टी के प्राधिकृत उम्मीदवार हैं और ये सारे लोगों को जनता सबक सिखाएगी। ये लुटेरा विधायक, ये ठगने वाला जनता का जो भी है MLA बना है, ये सब इस बार जनता सिखाएगी, सारा हिसाब किताब इस बार लेगी और दरभंगा के समग्र विकास होगा, मिथिलांचल का समग्र विकास होगा, जो आज तक हुआ नहीं होगा वो कायम करेंगे। आपने उम्मीदवार दिया है मानव अधिकार के तरफ से, जो पार्टी बनी है, इसमें आप यहाँ दरभंगा नगर क्षेत्र को कितने कैंडिडेट को आप खड़ा कर रहे हैं दरभंगा के 10 विधानसभा क्षेत्र? अभी तो हमने एक कैंडिडेट दिए हैं,
83 नंबर से दरभंगा से, बिहार में हमने 70 सीट पे दिए हैं। आज जो दरभंगा में जो आज आप लोग ने देखा होगा, जो आज चार चार बार विधायक बनने के बावजूद आज किसी भी वार्ड में आप चले जाए तो वहाँ पे ना नाले का बंदोबस्त है, ना गटर लाइन का है। हर एक बार बारिश से आदमी परेशान रहता है, सबके घर में जल जमाव रहता है, पानी जमा रहता है, सड़ा हुआ पानी रहता है जिससे बीमारी फैलता है। ना यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जिस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे उस डिपार्टमेंट में करप्शन है। आप रजिस्ट्री ऑफिस दरभंगा में जाइए तो उसमें सिर्फ दलालों लोग मिलेंगे। सरकारी ज़मीन तक रजिस्ट्री कर दिया जा रहा है। तो इसके खिलाफ हमने मानव अधिकार के हमारे जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे जो खड़े हैं उन्होंने एक मत एक मूड बना करके डॉक्टर राजकुमार को समर्थन हम लोग ने दिया है। युवा क्रांतिकारी पार्टी जो हमारा राष्ट्रीय पार्टी है उसके ऊपर हम लोग ने अच्छे अच्छे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो बिहार के जनता के लिए काम करने वाले हमने अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स दिया है। और जो दरभंगा के अंदर जो करप्शन चल रहा है उसके ऊपर हम कंट्रोल करने वाले हैं और क्राइम को रोक करने वाले हैं। क्राइम